आइला सेम सेम। कहाँ से खरीदा? अब्दुल रहीम के पास से। पर मैं तो लाया था एमएन स्पोर्ट्स। क्या यार, अरे सेम चीज़ है, सेम है। कौन सी जगह लाए हैं? बात तो सही है मीर, कौन सी जगह है? हाँ यार, न कोई सिक्योरिटी है न कोई गार्ड है। चलो अंदर जाके देखते हैं। कहाँ छुपा सकता है? यहीं कहीं होगा। हाँ यार, यहीं कहीं होना चाहिए। तो रूम दिखा रहा था, यानी यहीं कहीं होना चाहिए। मैं आगे देखता हूँ। सोना? सोना कहाँ है मोना? सोना धक्का क्यों मारा बे? हाँ तो मी को तू तो बोला था सोना चोरी करना। ये तो सोना नहीं, सोना है। मेरी मोना की जगह तो किसी और को बिठा दिया है। रजा, मीर, तौजी, मीगू, ये हम लोग के बारे में कैसे जानता है? तुम लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? मैं तुम लोगों से जो सोना चोरी करने की बात कर रहा था वो सोना यही है। हाय मीगू, और यार कैसा है? मेरा एक पीए है और उसका नाम सोना है, और वो भी तुम लोग के जैसा हो गया है। हाँ सच्ची, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सर नमस्ते। क्या हुआ? सर हम बालीबीसी हॉस्पिटल चैरिटी से आए हैं, सर हमें कुछ मदद कीजिए। तेरा अकाउंट हैक किया, उस पर एक पासवर्ड आ रहा है, प्लीज़ बता देना यार। तुम लोग मेरा अकाउंट हैक करने वाले थे? सोना तू जा। उसको क्यों भेजा? हम तो तुझे पूछ रहे थे। पकड़ के लाओ। उसे बचा लो, पासवर्ड तुम्हें मिल जाएगा। इसे बचाओ। सीट, ये तो कोमा में चला गया। एक काम करो, जब तक इसको होश नहीं आता इसको स्टोर रूम में डाल दो। मुझे पता है तुम लोगों के बारे में, मुझे संजू ने सब बता दिया था। देख सोना, तुझे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा सबसे जिगरी दोस्त है मीगू, मीर, तौसीर, रजा। आज वो नहीं होते तो मैं शायद बड़ा आदमी नहीं होता। अगर मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे साथ में मेरे काफ़ी दुश्मन हैं। मेरा जितना भी जायदाद जो कुछ भी है, याद रखना मीगो मेरा सबसे खास है, उसे लेकर दे। ओके, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, मैं हमेशा आपका वफादारी करूंगा। तेरी बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो वो भी शायद मुझे पता है, शायद पासवर्ड लेने आए हो। यही है संजू का पीए, इसी का नाम सोना है।
वाओ वाओ वाओ, जो काम मैं 3 साल से नहीं कर पाया ये 10 मिनट में कर। मीनाज आ थू अन्ना, तुम लोग को भी यही टपका दे क्या? नहीं, जिस तरह मैं समझू वो तड़पा तड़पा के मैं रहता ये लोग को भी बिना तड़पाए छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पासवर्ड तो नहीं मिला, इनसे पासवर्ड लेके मारेंगे। पासवर्ड क्या है भाई? रुक, पहले पासवर्ड आने तो। डन, पासवर्ड मिल गया, अकाउंट नंबर सिग्नेचर एंड। तू संभाल, मैं आ रहा हूं। What? उसने मुझे बहुत मारा। तू अंदर जा, मैं इसे देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम बता रहा है? इस प्रोसेस को हमको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना 3 दिन तक हमारे पास इसका कोई एक्सेस नहीं होगा। तो फिर हमको जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ओह शिट, ये क्या हो गया यार? ओह शिट, ये क्या हो गया यार? अब लैपटॉप को हमें रिपेयर करना होगा। ये सब बात हमको मीगू को बताना पड़ेगा यार। चैन सुकून से मर मीगू। हाँ, एक प्रॉब्लम हो गया यार। क्या हुआ? सिस्टम करप्ट हो गया। क्या? सिस्टम करप्ट हो गया है। तो फिर क्या करना है? इसके लिए हमको 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, 3 दिन तक हम नहीं वेट कर सकते भाई। या फिर एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास। क्या है? कोई तेरे नज़र में ऐसा है जो ट्रांसफ़र कर सके अमाउंट? कोई एक बंदा है। कौन है? अनवर भाई। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो थोड़ा खानी बाकी है ना, जो आप लोगों को वॉइस ओवर के द्वारा पता चलेगा। चले सुनते हैं। तो गाइस, ये फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा 2 फोटो, जिसमें से एक मैं हूँ, जो आपके राइट साइड में है वो है अनवर भाई, जिनके पास मैं अकेले गया था। कमीने मेरे 4 दोस्त जो थे वो नहीं गए मेरे साथ में, क्योंकि बोले उन लोग रिक्स वाला काम है, हम नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, वो लोग नहीं गए तो मैं ही गया था ना, तो मैं उनको जाके बड़े प्यार से समझाया और वो मान भी गए, लेकिन बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था। तो मानने के बाद उन्होंने अकाउंट हैक किया, और आपको पता है संजू के अकाउंट में कितना पैसा था? 300 करोड़। और 300 करोड़ का हम 5 क्या किए, आइए आगे देखते हैं। मीर साहब सीना तान के बैठे हुए हैं, इन्होंने 1 5-स्टार होटल खरीद लिया है, अब उसके वो मालिक हैं। क्या बात। हमारे तौजी साहब, जिनको पढ़ाई का बहुत शौक है, इन्होंने 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल खरीद लिया है, और वो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऑनर बन के बैठे हैं। वाह, क्या मुस्कुराहट है। ए रहे राजा साहब, इन्होंने बाराबटी स्टेडियम के ऑनर के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ये रहे हमारे सोना मियाँ, जिनका शौक था मॉल पे घूमने का, आज जो मॉल के 70% मालिक बन चुके हैं। वाह, बेकिस्मत। और ये आ गए, क्या बताऊँ गाइस, आप लोगों को तो पता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसका हालत ऐसा क्यों है। सालों ने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दिया मुझे, सारा का सारा पैसा लेके भाग गए, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। वो कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त खुश हैं और मैं मेरे संजू के मकसद में कामयाब हुआ, इससे मैं खुश हूँ। लेकिन सालों के साथ ग्रैंड मस्ती करूँगा, छोड़ेगा नहीं अपन। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर ना पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उसके सामने एक बेल आइकन होगा जिसको आप प्रेस कर देने से हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।